ये है हॉस्टल का गेट। सी इज ईटिंग समथिंग। ये ब्रेकफास्ट में दिया था हॉस्टल में, पूरी और सब्जी। इट्स यम्मी। हाँ, इसको बहुत यम्मी लग रहा है। और ये नामगाई की रूममेट है, से हाय। अब ये हम लोग स्केल जा रहे हैं। ये है, आज वेदर अच्छा है, धूप नहीं है ना, ना ठीक है। वो आ रही है मेरी एक दोस्त, शायद मंदिर से आ रही है वो। अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे स्केल गर्ल्स हॉस्टल में। पहले हम लोग जाएंगे सेकंड फ्लोर में। ये फर्स्ट फ्लोर है। यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखा हुआ है। फिर ये है सेकंड फ्लोर। ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये रूम नंबर 202 है। ये उनका पर्दा है। फिर अभी हम लोग घुस रहे हैं। ये रूम है, कोई महाशय बैठी हुई है, वो पढ़ाई कर रही है मैंने। हेलो, आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं? मैथमेटिक्स। चार्ल्स लेक्लर। हाँ, ये इसका कौन है? चार्ल्स लेक्लर। अच्छा, चार्ल्स लेक्लर। अच्छा, हमको सिखा रही है। ये इसका प्रिय है, पति। हाँ, पति है। अच्छा, ये भी फोटो। इधर भी इसका पति है। फिर ये अभी पढ़ाई करे, बहुत पढ़ती है लड़की, तो अब करिए यार इस बार। तो वही कुछ खाया भी था, क्या खाया था आपने? मैगी खाया था। अच्छा, वो उधर स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट की एक लड़की है, वो कुछ अपना, हाँ वो भी कुछ कर रही है अपना। इधर पे इसने अपना भगवान का फोटो रखा हुआ है। इसका लकी बेम्बू है ना। ये देखो मेरा नोवेल्स का कलेक्शन। इसका नोवेल्स का कलेक्शन, बाप रे बाप, खत्म शुरू होके खत्म ही नहीं हो रहा है। देखो ये लॉर्ड जो भी है पूरा आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि हाथ थक गया रे। फिर यहाँ पे कुछ कोर्स थॉट्स लिखे हुए हैं। यही इसका सुंदर सा पर्दा भी है। फिर एक बेड है, ये एक दोस्त का है, शाइन सिंग, वो अभी नहीं है ना, कहाँ गई? वो महाशय अपने वो पोस्ट को किसी और को देने गई है। अच्छा, उसका पोस्ट है ना। ओ, फिर ये सुनीति का बेड है, वेरी क्लीन, यू नो, वेरी। हम लोग का हाथ का थप्पा ये है। ये इनके रूममेट्स का हाथ का सबका थप्पा है, 1 2 3 4 5 छह थप्पा है। अच्छा अच्छा, वो वाला ड्राइंग। अच्छा, इसका ये वाला ड्राइंग पास का एक दी थी, मतलब सीनियर दी, वो मतलब उसने हॉस्टल वीक में बनाया था, कंपटीशन हुआ था, तो उसको उनको अच्छा लगा तो वो लेके गई थी। अभी वो सीनियर नहीं है, मैंने ये लड़की वापस लेके आई है, और दिमाग चलता है इसको। बहुत क्रिएटिव लोग रहते हैं इधर। ये आईना देख सकते हैं आप, ये मेरा चेहरा है, पहले बहुत गंदा था, थोड़ा पिंकी ने पोंछ पोंछ के बहुत सुंदर आईना बना दिया, बहुत सुंदर। पानी बोतल है, मतलब ला के रखा जाता है। पिंकी ने उस दिन साफ किया। फ्लोर में अपना अपना पानी का जगह है, पानी हम लोग पूरा रूम साफ करने लग गए, तो पिंकी पूरा ये मतलब फैसिलिटीज है, यहाँ पे खोल सकते हैं ऐसे, ऐसा है, सामान रखते हैं यहाँ पे। फिर इधर विंडो का व्यू है, इधर से अच्छा हवा आता रहता है, चिड़िया भी आते हैं। फिर वो हैंडिक का गर्ल्स हॉस्टल है, उधर पे भी लड़कियां रहती है, उधर उनके कपड़े सुखाए हुए हैं। ये इसका बेड है, ये फैन है, रूम में दो फैंस रहते हैं। फ्लोर में ये मिरर है, यहाँ
पे पूरा व्यू आता है रामगाई का हॉस्टल जो हम लोग तभी गए थे। ये ऊपर से ऐसा दिखता है स्केल से। फिर वो है गांधी मंडप, यहाँ से दिखता है व्यू उसका। वो फ्लैग पूरा अच्छे से लहरा रहा है, इंडियन फ्लैग। नंबर 301 है, ये दोस्त का बेड है आशिया का। फिर ये बहन, हाय करो बहन। ये अनिशा है फिलोसॉफी डिपार्टमेंट की, थर्ड सेम। हाँ थर्ड सेम अभी थर्ड सेम है। ये इसका बेड है और ये एक दोस्त की है, वो अभी नहाने गई है, आई नहीं है। ये इसका बुक्स एंड ऑल जियोग्राफी डिपार्टमेंट की है, तो पूरा सिलेबस चिपका के रखा हुआ है लड़की ने। पूरा ऊपर से इसका भी बुक खत्म नहीं होगा। यहाँ पे इसके मेडल्स। फिर ये बहुत साफ रूम है, आईना भी साफ है। फिर इस विंडो से व्यू दिखता है, अच्छा व्यू है। वो पुलिस स्टेशन है, नया से बिल्डिंग बनाया है। फिर वो जो दिख रहा है ये प्लेनेटोरियम है, और फिर इधर से लोतासिल। ये 303 है, फिर ये 304 है, फिर ये 305। टोटल यहाँ पे 307 तक रूम है। ये है दिशा हजारिका एजुकेशन डिपार्टमेंट की ब्लॉगिंग। ये अभी क्लास जा रही है। ओ सॉरी बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। जा रही है आप? ओ ये फैंसी जा रही है, बड़ा सा बैग लेके सब। कहाँ पे, किसके साथ? ओ पिंकी के साथ। दे दे दे, जाओ बहन जाओ, एंजॉय। फिर इधर है टॉयलेट, इधर पानी वगैरह और मिलता है यहाँ पे, फ्रेश वाटर मिलता है। फिर ये टॉयलेट कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये बाथरूम, ये टॉयलेट, ये भी टॉयलेट, टॉयलेट है, स्मेल आता है। आईना अभी थोड़ा गंदा है, साफ करने आते हैं लोग, पर अभी फिलहाल गंदा है। ये न पकाए, ये आराम से गिरिया रे, आराम से। मिला क्या? सब काम मुझे ही करवा रहे हैं। इधर देखो, हो गया है, तैयार हो गया है। ये क्या है? पीछे स्पून नहीं, क्या है ये? ये हसमोला, ग्रीन चिली और नींबू का चटनी। पूरा नींबू निचोड़ दिया है। हाँ, पानी नहीं है, पानी मिक्स नहीं किया। ओ इतना वो होगा तो खट्टा होगा। ऐसे भी खाते हैं, ऐसे करके इस पे गोगा है, उसमें का गोगा तभी से थोड़ा ना। हाँ इसको भी ऐसे भी खाते हैं, इसको भी खाते हैं।